केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही पर राज्य में दो दिन का शोक। सेना की मदद से बचाव और राहत काम जारी। कई राज्यों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। मुख्यमंत्री पी विजयन ने की समीक्षा बैठक। वायनाड में प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हुई स्थिति पर राज्यसभा में हुई चर्चा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल भी रहा बाधित। कांग्रेस द्वारा बार बार जाति वाले मुद्दे को उठाने पर भाजपा ने साधा निशाना। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर उच्च न्यायालय ने अपनाया सख्त रुख। अदालत ने पूछा एमसीडी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं। अदालत ने दिल्ली के फ्री बी कल्चर को भी लिया आड़े हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीआईआई बजट सम्मेलन को संबोधन। कहा दुनिया के निवेशक भारत की ओर देख रहे, इस सुनहरे अवसर को चूके नहीं उद्योग जगत। आबकारी नीति से जुड़े ईडी केस में राउज एवेन्यू का फैसला। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ाई। इसराइल ने 24 घंटे के भीतर निपटाए अपने दो दुश्मन। बेरूत हमले में मारा गया हिजबुल्लाह सैन्य कमांडर फुआद शुकर, तो वहीं तेहरान में इस्माइल हानिका का भी हुआ खात्मा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर सरकार नहीं करेगी कोई विचार, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का बयान। सोने पर कस्टम ड्यूटी घटने के बावजूद स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड पर मिलेगी 12% तक रिटर्न।